तर दुसरी दृश्य आपण बघतोय ती म्हणजे विजयादशमी उत्सवाचं आयोजन आरएसएसकडून करण्यात आलेलं आहे आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी मोहन भागवत बोलत असल्याचं आपण बघतोय. पिछले वर्ष इसी पर्व पर हमने महारानी दुर्गावती जी का स्मरण किया था उनके गुणों के लिए. ऐसा ही दूसरा एक सच्चरित्र पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर, उनकी ये 320 जन्म जयंती चल रही है. एक उत्कृष्ट राज्यकर्ता जिसकी शील संपन्नता का आदर्श सबके सामने हो, ऐसे एक महिला अत्यंत विपरीत परिस्थिति में राज्य चलाती है. रणनीति के कौशल का परिचय देती है, अपने राज्यों को संभालती ही है, परंतु अखिल भारतीय दृष्टि होने के कारण सारे देश में धर्म संस्कृति का उत्थान हो, इस दृष्टि से जगह जगह मंदिर बनवाती है, घाट बनवाती है, धर्मशालाओं का पुनरुज्जीवन करती है. और इस प्रकार संस्कृति संरक्षण में, धर्म संरक्षण में स्वयं निष्प्रह रह के अपने लिए कुछ न करते हुए और एक आदर्श उपस्थित करती है राज्यकर्ता का भी, और भारतीय नारी के कर्तृत्व का एक फिर प्रतीक, ऐसा उनके जीवन के निमित्त हमारे सामने खड़ा होता है, उनका हम स्मरण करते हैं. ऐसे ही स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती का 200वां जन्म जयंती का वर्ष चल रहा है. हम जानते हैं कि लंबी गुलामी के बाद भारत का जो पुनरुत्थान शुरू हुआ, उस पुनरुत्थान के पीछे जो शक्तियां थी उनमें से एक स्वामी दयानंद सरस्वती है. लोगों में सही धर्म क्या है उसका सत्य प्रकाश उनके बुद्धि में जाए, अपने मूल को समझकर काल सुसंगत धर्म का आचरण वो करे और अपने लिए स्वतंत्रता प्राप्त कर ले, इसलिए जनों की जागृति का एक महाप्रयास उन्होंने किया. उसकी प्रेरणा में से आगे चल के भारत के जीवन के सभी क्षेत्रों में कई प्रकार के आंदोलन भी हुए. ऐसा एक पुण्य चरित्र, उनके भी स्मरण का आज वर्ष है. स्वतंत्र देश होना है, देश वैभव संपन्न होना है, तो प्रजा में चारित्र चाहिए. अभी अध्यक्ष महोदय जी ने जिस दैवी गुण संपत्ति का उल्लेख किया, अभयम सत्व संशुद्धि, वही है व्यक्तिगत और सामाजिक चारित्र, राष्ट्रीय चारित्र, जिनके बलबूते देश बड़ा होता है. पावना में, आज के बांग्लादेश में, उस समय के पूर्व बंगाल में जन्मे श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर, होम्योपैथी के डॉक्टर थे, आध्यात्मिक साधक थे, उनके माता से ही उनको दीक्षा मिली थी, तो उनके व्यक्तित्व से आकर्षित होकर लोग उनको आकर मिलते थे, अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयां बताते थे, उनके हाल पर उनसे चर्चा होती थी. इसी का आगे एक सत्संग आंदोलन बन गया और 1925 में उस आंदोलन का भी विधिवत पंजीयन हुआ. उस आंदोलन का मुख्यालय आजकल देवघर में है. उनकी भी शताब्दी इस वर्ष 25 में चलेगी.